हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपके एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है। ये कब का है ये भी बताना है। ये है एस्टेट कह सकते हैं 2011 का। इसमें क्या क्या क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक तो आपकी सीडीपी यानी जो आपकी साइकोलॉजी है वो देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो लैंग्वेज के रूप में आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो भी देख लेंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। साथ ही साथ आपके जो SST के जो आपके क्वेश्चन होंगे 60, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ें देखेंगे, एक तो साइकोलॉजी, हिंदी और SST, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, कब हो सकता है। आपको इन सभी ऑप्शनों को देखना है। तो हम कहेंगे जब छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दें और नियंत्रण दिया जाए, यानी ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखें तो निर्देशित करना ये गलत हो जाएगा। इसमें भी आप है जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो शिक्षक के थ्रू कर रहे हैं, यानी यहाँ पर टीचर सेंटर्ड की बात की जा रही है, इस वजह से ये गलत हुआ। और ये शिक्षण अधिगम जो भी प्रक्रिया है उसे भी आप कैसे कह रहे हैं इसे कर रहे हैं, वही है शिक्षक ही इसे डायरेक्ट कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर एक सही था, छात्रों को स्वयं कार्य करने की सहायता दी जाए और उन्हीं को कंट्रोल दिया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि, कब होगा अगर ओवरऑल सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे जब छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंत क्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका दो सही हो जाएगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड हो और उनमें इंटरेक्ट हो, जो भी आप जिन मेथडों का या विधियों का उपयोग करें या टेक्निक का, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा कहना। तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है, एक उत्तम कक्षा का शिक्षक है, इनमें से आप सभी ऑप्शनों को देखिए, जैसे कि छात्रों की जो प्राकृतिक जिज्ञासा है यानी जो क्यूरोसिटी है उसको पोषण करें। सेकेंड है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करें यानी उन्हें आपस में इंटरेक्ट करने दें। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों का सम्मिलित करें। तो ऑप्शन नंबर इसका चार सही हो जाएगा, यानी ये तीनों कथन सही हैं। किसके लिए? एक उत्तम कक्षा शिक्षक के लिए। क्वेश्चन नंबर आप चार देखिएगा, इसमें कह रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषता क्या है यानी जो आपकी क्रिएटिविटी है उसकी। तो देखो, मौलिकता होनी चाहिए यानी ओरिजिनलिटी, प्रभावशीलता का मतलब फ्लुएंसी होनी चाहिए, और आपकी लचीलापन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। ये चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे सही, चारों मीन सही है, उपरोक्त के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर पाँच है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी? तो हम ये कहेंगे कि अधिगम में क्रियाशीलता होनी चाहिए, छात्रों की सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए, और स्वयं क्रिया का करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें पूछ रहा है एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है किस चीज़ की, यानी उसे एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए या स्पेशली हेल्प चाहिए या उसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए या उसे कुछ हेल्प चाहिए। देखा जाए तो इसमें से देखो विशेष तो नहीं हो सकती, ठीक है, स्पेशल तो किसी को नहीं दे सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है उसे अतिरिक्त सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर दे रहा है तो आप क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे, देखो पहला ऑप्शन है कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत है ये कहना गलत होगा, कि किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे। अगर ये पहले वाला ऑप्शन नहीं होता ना यहाँ पे, तब हम जाते हैं इस तीन नंबर पे, जबकि इससे बढ़िया यही ऑप्शन है कि दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस कर पाए उसने जो उत्तर दिया है वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही रहेगा, बाकी ये भी वाला सही था, लेकिन जब ये नहीं होता एक नंबर का तब होता है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा फिर, ये तो गलत ऑलरेडी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आठ पाए, शिक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो हम कहेंगे ये है ना ऑप्शन नंबर एक, यानी फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम को आप सरलीकरण करेंगे, यही होती है टीचिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा। बाकी ऑप्शन नंबर दो भी सही था, कि शिक्षकों द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है और जो भी स्टूडेंट है उनके द्वारा ज्ञान ग्रहण किया जाता है, लेकिन जब अधिगम
को फैसिलिट करने के लिए बात की जाती है शिक्षक की या टीचिंग की, तो हम ऑप्शन पर उसी पर जाते हैं। अगर एक नंबर नहीं होता तो फिर हम दो नंबर पर जाते हैं, अगर एक नंबर अच्छा है तो फिर हम इसे नहीं लेंगे, ना इसे लेंगे ना इसे, बाकी तो सभी करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर है शिक्षण का है, तो देखो इसमें से सभी शिक्षण के स्तर हैं देखा जाए तो, ये तो आपके मूल्यांकन में आता है, ठीक है, ये आपके व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि आती है उनमें आता है। इंटरेक्ट है, ये अच्छा माना जाता है जब स्टूडेंट के पदों में होता है, इंटरेक्ट या टीचर स्टूडेंट के पद, लेकिन जब आप स्तर की बात करते हैं ना लेवल की टीचिंग की, तो हम शब्द यूज करते हैं उसके लिए रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तक, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए, तो कौन सी विधियों को लाना चाहिए, अगर आप देखें तो इसमें से बेस्ट कौन सी रहेगी, तो बेस्ट रहेगी आपकी अंतक्रियात्मक विधियाँ यानी बच्चे इंटरेक्ट कर पाए, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है, इनमें से चारों ऑप्शनों में से देखें तो वो हो जाएगी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले जो परामर्श होते हैं उनमें सर्वाधिक उपयोग यही है कि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित होगा, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बहुग्रेड अध्यापन वो है जिसमें, बहुग्रेड मीन्स ये होता है कि एक अध्यापक है वो एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो यही होता है एक तरह से बहुग्रेड है यानी बहुत सारी कक्षा एक साथ पढ़ाना एक ही टीचर के द्वारा वो एक ही समय में, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, देखो ज्ञान का संप्रेषण करना और छात्रों में अनुशासन रखना और छात्र केंद्रित और क्रिया आधारित अंतक्रियात्मक अध्ययनों का सृजन करना, हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर तीन सही लग रहा है जिसमें आपकी छात्र केंद्रित भी है, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं आप और जो भी अधिगम क्रिया है उसे सृजन कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पठन पाठन में शिक्षक को करना चाहिए क्या करना चाहिए, तो हम कहेंगे जो जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए यानी जो बच्चे के मन में चल रहा है क्यूरोसिटी यानी जानने की इच्छा, तो उसे ही मोटिवेट करें और यहाँ पर तो एनकरेज दे रखा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं, जब भी आपके पास एनरिच लर्निंग से संबंधित या प्रोग्राम हो या इसकी बात कही जाए मोस्टली वही ऑप्शन होता है यानी संदर्भित उपागम या संदर्भित अधिगम अनुभव देगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोफेसर जीन प्याजी के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है, इनमें से जो कह सकते हैं 7 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उसे मूल सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, ये जीन प्याजी की 3 नंबर की अवस्था होती है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे उन्हें जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम है यानी उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है, जब भी वस्तुनिष्ठ की बात आएगी तो वो जेएल मोनेरो की समाज विधि पर जाएंगे, क्योंकि ये साक्षात्कार और प्रश्नावली तो आपकी सब्जेक्टिविटी में आती है, सब्जेक्टिविटी का मतलब व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, यानी इसे व्यक्तिनिष्ठ विधि बोलते हैं, तो व्यक्तिनिष्ठ में बहुत सारी विधि आती हैं जैसे साक्षात्कार हो गई, प्रश्नावली हो गई और केस स्टडी इसी में आ जाती है, ठीक है, और भी आती हैं, लेकिन प्रक्षेपी विधि तो एक अलग प्रकार है, बाकी अप्रक्षेपी विधि होती है, देखो ये तो प्रक्षेपी है, एक होती है अप्रक्षेपी, अब मैंने कई बार बताया ये, तो अप्रक्षेपी होती है ना उनके दो प्रकार होते हैं जिनमें से एक प्रकार तो यही हो जाता है सब्जेक्टिविटी, दूसरा प्रकार हो जाता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी के अंदर आती हैं आपकी जो समाज विधि है ये वाली विधि, ठीक है, तो ये चीज़ समझे होंगे, प्रक्षेपी अलग विधि होती है, अप्रक्षेपी अलग विधियाँ होती हैं जिनमें अप्रक्षेपी को दो भागों में बांटा है, एक तो सब्जेक्टिविटी जिन्हें व्यक्तिनिष्ठ बोलते हैं उनके अंदर साक्षात्कार प्रश्नावली केस स्टडी ये आती हैं और एक आत्मकथा विधि आती है, चार विधियाँ मुख्य आती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिविटी दूसरी विधि होती है उसमें आती है समाज विधि, ठीक है, तो इस प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर है, इसमें पूछा है भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो हम कहेंगे ये आपकी है कैसी है, ये हो जाएगी परीक्षा के लिए तैयार करती है, तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है भारत में, ठीक है।
इसमें कह रहा कक्षा का एक शरारती बालक अन्य बालकों को से परेशान करता है, एक अध्यापक को उसी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार जाएंगे तो इसे हम केस स्टडी बोलेंगे, केस स्टडी मेथड जो आपकी टाइटमेंट ने दी थी। अब ध्यान रखना ऐसे ही हम विधि को आप देखे वो पढ़ के तो ये नैदानिक विधि भी कहलाती है, यानी आपकी डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक मेथड, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, यानी ये कमियों को जानती है बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है उस प्रकार की। हालांकि इसके लिए हम एक टेस्ट भी करते हैं, आपने पढ़ा होगा निदानात्मक, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर विधियों को लेकर पूछे तो हम नैदानिक का मतलब वो डायग्नोस्टिक, और डायग्नोस्टिक विधि है वो केस स्टडी कहलाती है। बाकी निदानात्मक परीक्षण अलग चीज़ होती है, उसमें भी बच्चों की कमियों को जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि ये टर्म पूछ ली जाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन, मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होता है, तो हम कहेंगे उसमें कौशल के शिक्षण से संबंधित होता है ये चीज़ें, यानी मौखिक मार्गदर्शन कम प्रभावी होगा किसमें, कौशल से चढ़ के, जो भी कौशल की यानी टीचिंग स्किल की बात की जाएगी वहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पाए के एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कौन सा माना जाएगा, और जैसे कि इसमें से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, कच्चा खत्म अपनी सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण सह संबंध रखता हो, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पाए शिक्षक की भूमिका होती है कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान दिया हो तो इसे पहले हमने किया था, फैसिलिटेटिंग लर्निंग, यानी एक क्वेश्चन था यानी अधिगम को सरल करना एक तरह से, तो वो यही है क्वेश्चन, अगेन पूछा है ये ज्ञान के निर्माण का सरलीकरण, वही है फैसिलिटेटिंग करना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। आप कक्षा का अवधान केंद्रित कर सकते हैं कैसे, यानी उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा, यानी बहुत सारे एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं या प्रकरण को, तो उसके बहुत सारे उद्दीपन परिवर्तन मीन सीखे उससे संबंधित रिलेटिव बहुत सारे एग्जाम्पल देखे उसके बारे में बताकर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुकूलित व सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र निम्न में से जीवन कौशल आवश्यक है कौन सा है, तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, या भावना हो, तनावों के साथ सामंजस्य का उपयोग, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि एक विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछता है तो जिसका उत्तर आपके पास नहीं है वो आप क्या करेंगे, तो ये एक प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या करें, तो हम ये कहेंगे कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो हम ये कहेंगे शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करें, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना आवश्यक है, यानी जानना अत्यावश्यक है, क्या आवश्यक है जानने के लिए, तो हम ये कहेंगे चाहे तो उसके अधिगम की जो भी कठिनाई है, उसका जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, उसके घर के परिवार के वातावरण को, तो इस प्रकार ये तीनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एक रहा है शिक्षा मनोविज्ञान की जो नेचर होती है यानी प्रकृति कैसी होती है, तो वैज्ञानिक होती है यानी विज्ञान बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब इसके बाद जो लैंग्वेज को लेकर यानी भाषाओं को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आपको दे रखा है गद्यांश, तो हम इसे नहीं करेंगे, ठीक है, ग्रामर के जो क्वेश्चन पूछेंगे ना हम डायरेक्टली वही कर लेते हैं। और जैसे 36 नंबर है ये ग्रामर से पूछा है तो इसे देख लीजिएगा, ये कह रहा है जो त्र की ध्वनियाँ होंगी यानी जो त्र है इसमें क्या होता है, जो आधा है ना वो तो पूरा होता है, जो पूरा है वो आधा होता है, तो जैसे कि त है इसमें पूरा दिखाई दे रहा है तो वो आधा हो जाता है, और जो नीचे र लग रही है री, तो ये ऊपर पूरा ही हो जाती है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें विष्णु के पर्यायवाची बताने हैं और ये स्टेट में ध्यान रखना है, पर्यायवाची से लेकर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, ठीक है, तो इसमें बताइएगा। तो देखो एक तो हम विष्णु को चक्रपाणि बोलते हैं, चतुर्भुज भी बोलेंगे, शेष शाही गुरु बोलेंगे और गरुड़ ध्वज भी बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो देखिएगा ये तो आपका कुमार है, ये तो तत्सम है, ठीक है, वो कुक्कुर भी तत्सम हो जाएगा, कौन भी तत्सम हो जाएगा, लेकिन काजल है ना ये आपकी हो जाएगी तद्भव। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनमें से शुद्ध शब्द छांटिएगा, तो इसमें से ऐतिहासिक हो जाएगा शुद्ध शब्द, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। पतझड़ में समास कौन सा होगा, एक तरह से देखा जाए तो इसमें से कौन सा होगा, बबूरी हो जाएगा,
अगर इसका समास विग्रह करें तो हो गया पत्तों का चढ़ जाना, ठीक है, पतझड़ वही होती है, तो बभरी समास हो जाएगा, एक अन्य अर्थ निकल रहा है। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना एक आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं होता हंसने में। नेक्स्ट है जो पहली कभी न हुआ हो, तो वो आपका अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी निम्न में से सगोश है, सगोश मीन्स वही है कोश, तो आप तो एक ध्यान रखिएगा, आकोश होते हैं ना, तो जिनमें वर्ण एक और दो नंबर पर आते हैं वो होते हैं। तो देखो क आता है एक नंबर पे, ख आता है दो नंबर पे, च आता है एक नंबर पे। जब आप स्पर्श व्यंजन पच्चीस पढ़ेंगे तो उनमें ये हम पढ़ते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ऐसे, तो ठीक है, तो इनमें से देखें तो एक और एक नंबर और दो, यानी समझ रहे हो ना, क्रमांक एक, क्रमांक एक, क्रमांक दो, तो एक और दो पे तो अघोष आते हैं, जबकि हमें पूछा है सघोष, तो फिर एक नंबर हो जाएगा, यानी अ है वो सघोष में आता है, ठीक है, यानी घोष में। बाकी ये सभी अघोष हैं, जैसे कि क वर्ग है या क है अघोष, ख है अघोष, च है ये भी अघोष। नेक्स्ट है कि हरी यानी हिसी के इसमें कौन सी संधि है, तो यह होगी रसी प्लस ईस, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा होगा, तो आग हो जाएगा, पीछे की तरफ देखते हैं जो आता है तो शब्द वही हो जाता है, और फिर से एक गद्यांश दे दिया इसमें, तो हम गद्यांश नहीं करेंगे, सीधे हम ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और इसे भी छोड़िएगा, चलो इसे देख लीजिए, ये ग्रामर का है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52। ये कह रहा है शब्द युक्त दे रखा है, एक तो अवर दे रखा है, एक दे रखा है अपर, तो सही अर्थ क्या होगा? अपर का मतलब होता है निम्न, तो निम्न दो में दे रखा है इसमें, इसमें अपर का मतलब क्या होता है, अपर का मतलब होता है अन्य या दूसरा, ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनके कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इन्हें शब्द को यूज कर सकते हैं हम किस में, सेंटेंस में, जैसे जैसे कर सकते हैं कल मेरी मुलाकात, कल मेरी मुलाकात, अवर, यानी ये वाला शब्द है ना, यहाँ पर यूज हुआ, यानी कल मेरी मुलाकात अवर कर्मचारी से हुई, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया कि हमने है जो अवर है इसका सेंटेंस में उपयोग करके देखा, कल मेरी मुलाकात है अवर कर्मचारी से हुई, यानी अवर का मतलब हमने बताया था निम्न, तो इसका मतलब हो गया कल मेरी मुलाकात निम्न कर्मचारी से हुई, तो इस प्रकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, इसमें पूछा है किसी वस्तु को गलत समझ लेना, तो इसे क्या कहेंगे, तो गलत समझने का मतलब होता है आप एक तरह से भ्रांति हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पांडित्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें मुद्रा शब्द का अर्थ बताइएगा, क्या क्या हो सकता है, देखो मोहर हो सकता है, छाप हो सकता है, सिक्का हो सकता है, और अंगूठी भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे मुमूर्छा बोल सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित नहीं है, वो बताना है। देखो इसमें से देखो तीर हो जाएगा, पच्ची हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, लेकिन मन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसमें से तत्सम बताना है, तो आप सभी को देखिएगा, ये तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव, जो आशीष है ना ये आपका तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है वो बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, तो अस्ताक्षर होगा ना, वो आपके बहुवचन होंगे, यानी बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है ये। अब ये कह रहा है त्यक्त शब्द का विलोम बताइएगा, त्यक्त का विलोम हो जाएगा आपका इनमें से हो जाएगा ग्रहित, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने CDP यानी साइकोलॉजी कर ली, साइकोलॉजी के बाद है अब हम कर लेते हैं, अब हिंदी भी कर ली और उसके बाद कर लेते हैं अब जो आपके SST के जो क्वेश्चन है ना वो बाकी, ठीक है, ये हैं आपके SST के क्वेश्चन जो 91 से स्टार्ट होंगे और 150 तक करेंगे हमने। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसे जूम कर लेते हैं। ठीक है,
इसमें पहला क्वेश्चन 91 पूछा है कि जो आपके भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखाव के लिए कौन जिम्मेदार है। तो मोस्टली इसमें से देखो, हालांकि इसमें कन्फ्यूज नहीं किया गया है क्योंकि इसमें वीडियो वगैरह नहीं दे रखा, केवल पटवारी दे रखा है, तो यही राइट आंसर होगा। यही आपके जो भी लैंड रिकॉर्ड होते हैं ना, कितनी एकड़ आप ज़मीन है तो वो संबंधित होती है, वो पटवारी के पास ही होती है। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी रख रखाव इनका इन्हीं के पास होता है, ऐसे क्या बोल सकते हैं। किस प्रांत में रेत बाड़ी राजस्व प्रणाली लागू की गई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपके मद्रास में, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, तो वो अनुच्छेद नंबर 21 में किया गया है। ये क्या है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि कितनी होती है, यानी टाइमिंग कितनी दी जाती है प्रचार करने के लिए, तो वो दी जाती है 2 हफ्ते, यानी आप कह सकते हैं 14 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है। अब ये क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा खर्च की जाने वाली निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकतम राशि कितनी होगी। देखो, एक तो आपको जो एमपी होते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के, और एक होते हैं विधानसभा के, तो ये एमएलए होते हैं, तो अब इनके लिए कितनी राशि खर्च की जाती है वो संबंधित पूछा है। देखो, एमपी कर सकता है अधिकतम 25 लाख रुपये खर्च, ये वाला यानी लोकसभा वाला, और जो विधानसभा में होते हैं वो अधिकतम एमएलए खर्च कर सकते हैं 10 लाख, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था, तो ये हो जाएगा, देखो फ्रांस की क्रांति का प्रेरणादायी जो भी प्रभाव रहा था, जो नेपोलियन था उनके प्रशासनिक सुधारों का प्रभाव भी रहा था, मध्यम वर्ग का उदय रहा था, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि हरियाणा में लोकसभा सभा की कितनी सीटें हैं, यानी जो आपके एमपी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनकी 10 सीटें हैं। अगर यहाँ पर विधानसभा की सीटें पूछे तो फिर वो आपकी 90 हैं। अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें जो आपकी बीजेपी है उसे कितनी 48 मिली या 47 सीटें मिली, शायद उसे समथिंग शायद 48 सीटें मिली थी। जो कांग्रेस है उसे मिली थी 37 सीट, और बाकी ये हो जाएंगी 85-90 टोटल हैं। तो इसमें से एक कोई INLD के नाम से है, उसे मिली थी 2 सीटें, और जो अदर थे यानी अन्य थे जो निर्दलीय लड़े थे वो 3, तो इस प्रकार टोटल करेंगे तो ये 90 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित है, ये कहाँ पर है, ये आपकी नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से शहरों के युग में अग्निकुंड कहाँ पर मिले थे, तो देखो अग्निकुंड, तो देखो इसमें 2 स्थान दे रखे हैं, ये कालीबंगा तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, ठीक है, और बाकी लोथल तो ये गुजरात से संबंधित है। ठीक है, हालांकि हो सकता है ये लोथल कोई स्थान हो, लेकिन हम लोथल तो गुजरात के थ्रू जो बंदर का था उसके थ्रू पूछा जाता है, तो हालांकि लोथल गुजरात से संबंधित है, लेकिन कालीबंगा पूछे तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यहीं पर आपके अग्निकुंड के साक्षी मिले थे। ठीक है, बाकी कोई होगा नहीं, लेकिन राइट आंसर 1 नंबर होगा इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि आपको कूट भी दे रखे हैं और मिलान करना भी है साथ ही साथ। तो देखो मोतीलाल नेहरू थे, वो तो 1928 में संविधान का प्रस्ताव बनाया था इन्होंने, तो ये मतलब मोतीलाल नेहरू का संबंध हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन से। और भीमराव अम्बेडकर थे या BR अम्बेडकर, तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके, ये प्रारूप समिति के कह सकते हैं अध्यक्ष हो जाएंगे, ये 3 से संबंधित हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपके संबंधित हो जाएंगे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये 2 से। बाकी सरोजनी नायडू बची हैं, वो संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये 1 से संबंधित, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो मुरली मनोहर जोशी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेटेंट से आप क्या समझते हैं, हम कहेंगे किसी भी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार होता है वही होता है पेटेंट। जैसे पेप्सी जो भी आती है ये ड्रिंक, उन पे हुई, या थम्सअप आती है, तो इन पे क्या पेटेंट होते हैं, इनके खुद के ही, इन्हीं पे अधिकार इन्हीं का होता है, तो यही होती है चीज़। इन्हें कोई और कंपनी इन नाम से इन्हें यूज नहीं कर सकती, केवल वही कर सकता है जिसका ये विचार है और जिसने ये आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, तो वो अंध राष्ट्रवाद है ना, ये संबंध नहीं है। बाकी शहरीकरण मोस्ट प्रोडक्शन होगा,
उपनिवेशनीकरण हो जाएगा, ये तीनों तो हो जाएंगे, जो नहीं होगा वो 4 नंबर। बक्सर की लड़ाई हुई कब हुई थी, ये 1740 में हुई थी। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और बर्से जो हुआ था आपके, एक तो कह सकते हैं कोई बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, वो था, और इसमें और भी संभले थे जैसे कि अवध के एक नवाब था जिसे शुजाउद्दौला बोलते हैं, वो भी था। साथ ही साथ इसमें एक और था कोई शाह आलम द्वितीय था कोई सेकंड। तो ये तीनों लड़े थे बर्से जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई थी, यानी ये जीत गए थे। फिर उसके बाद जो भी आगे की जो भी कह सकते हैं कंपनी का विस्तार करने के लिए उन्हें कहने का मतलब यहाँ पे मार्ग प्रशस्त हो गया था उनका इन्हें हराने के बाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जैन जो भी धार्मिक ग्रंथों का पहला संकलन तैयार हुआ था कब हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, पर्टिकुलर स्थान पूछा है, तैयार हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका पल्लवी में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था, तो ये लुटियन था, ठीक है, एडवर्ड लुटियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा है देश जो बालकन क्षेत्र का भाग नहीं है, बालकन, तो ये हो जाएगा संबंधित आपके इटली। बाकी ठीक है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये यूनान से लिया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये संबंधित हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और जो कह रहा है हिंद और चीन उपनिषद थे ये क्या थे, तो ये संबंधित थे फ्रांस से। अनुच्छेद 368 किसका संबंध होता है इसका, ये कहेंगे संविधान संशोधन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है इसमें बताइए संसद किससे मिलकर बना होगा, जिसमें लोकसभा हो राज्यसभा हो राष्ट्रपति हो, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें से बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो विनय पिटक है कि विषय वस्तु क्या थी, ठीक है, यानी उनके सब्जेक्ट मैटर क्या था इसका विनय पिटक का, तो भिक्षुओं के यानी जो भिक्षुओं थे ना उनके नियम थे इनमें, भिक्षुओं के नियम ऐसे बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो हड़ताल करना कोई अधिकार नहीं होता है, भाई शोषण होता है, समानता होती है, धार्मिक होती है। बाकी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है इसमें, तो आप देखेंगे तो वो संबंधित नहीं होगा मुसोलिनी। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, सॉरी 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जो सिधु व कानू का संबंध कैसे है, तो ये संताल विद्रोह था, हालांकि ये देखो जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब ये बिहार का ही भाग था, तो ये हालांकि देखा जाए तब बिहार में ही सम्मिलित था झारखंड, और झारखंड में ये जातियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी, जो संताल हो गई, मुंडा हो गई, ठीक है। तो ये जो सिधु कानू का संबंध है ना वो संताल विद्रोह से संबंधित है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी भील विद्रोह भी हुआ था यहीं पे, मुंडा विद्रोह भी हुआ था, संताल भी हुआ था, तो ये तब बिहार में ही सम्मिलित थे, तब की बात है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है किस राज्य में मिड डे मील की योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो वो तमिलनाडु में। ये ग्रह किस राजवंश ने मध्यकालीन भारत में शानदार उद्योगों का निर्माण किया था, तो वो मुगलों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये कह रहा है कि यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, ये सही है ना गुटेनबर्ग, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब लोग रोजगार युक्त लगते हैं परंतु वे वास्तव में नहीं होते हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जाने वाली रेखाएँ होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। इसमें पूछा है कि संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आप इनमें देखेंगे तो सबसे बड़ा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जिसकी लंबाई देखेंगे ना तो 9,288 किलोमीटर है, ठीक है, यानी इतना लंबा ट्रैक बिछा हुआ है, ये रूस में, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है, करीबन 1.70 मिलियन है, समझ रहे हो, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यही रखता है रूस किलोमीटर स्क्वेयर। और अगर भारत की बात करें तो भारत के पास कितना 63 किलोमीटर स्क्वेयर, ये भारत का है, ये रूस का है, और इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से यहाँ पर एक ट्रेन जाती है जो 9,288 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, ये रूस से संबंधित है और रूस का क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इसका ट्रैक भी लंबा है। अगर किसी को अभी हाल ही में नवंबर में अपने भारत से जो इंडियन ब्लॉगर है ना, चाहे वो हरियाणा से हो राजस्थान से हो, मैं नाम बता दें जिन्हें देखना हो, वो इस ट्रेन से अभी गया है, ठीक है, मैंने देखा था एक बार वंडरिंग
ये बट नहीं, मैंने ये के नाम से इसका यूट्यूब चैनल है, अभी गया था, ये 2 बार हो चुका है, एक तो अब नवंबर में, एक पहले भी गया था। और राजस्थान से जयपुर से लड़का है, ये शायद हरियाणा का है, मुझे ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन राजस्थान से गया था वो, उसका नाम था द, देखो जो इच्छुक है वो देख सकते हैं, अदरवाइज मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि ये देखना है, जो क्यूरोसिटी होगा। अच्छा वहाँ पे भी इतनी लंबी ट्रेन ट्रैक है तो उस वजह से, द इंडो टेकर के नाम से है, ठीक है, इंडो टेकर के नाम से, ये जयपुर का है, ठीक है, ये भी गया है, ये पहले गया था लेकिन ये मैंने कल परसों ही देखा था तब मुझे मालूम हुआ, ठीक है। इसका नाम है यूट्यूब का नाम वंडरिंग मैनिएक, मैनिएक के नाम से ये शायद। बाकी हरियाणा नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2.4, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी जो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग था ये हमारा क्षेत्रफल था, वो विश्व का 2.4% होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है हमारा, तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना भारत के किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है, तो वो गुजरात की लगेगी। ये क्या है, सर्वोच्च अभियान है, फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ष तक आयु समूह के बच्चों यानी सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा यानी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो इसमें दे रखी है 6 से 14, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। तो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब समझते हो आप, ये 1 क्लास से लेकर 8वीं तक की बात की जाती है, ठीक है। और बाकी इसमें एक और आता है RPWD, यानी जो होते हैं ना डिसेबिलिटी वाले, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी होती है, तो उनके लिए उम्र कही गई है 6 से लेकर 18 वर्ष, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनके लिए पूछे तो ये, और जो सामान्य बच्चे के लिए पूछे तो ये, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हिमालय तथा आल्पस किस प्रकार के पर्वत हैं, तो ये आपके फोल्ड माउंटेनिंग है यानी बलित पर्वत है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, तो पश्चिम से पूर्व में होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो एक बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी, लेकिन बृहस्पति है, ये आपके बाह्य ग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो देखो जलीय ऊर्जा हो जाएगी, इसके साथ कोयला हो गई आपकी, पेट्रोल हो गई और डीजल हो गया, अन्य भी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से दिल राष्ट्रीय उद्यान कौन कहाँ पर है, ये आपके गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, झूम कृषि भारत में कौन से भाग यानी कौन से भूभाग में की जाती है या किस क्षेत्र में, तो ये संबंधित हो जाएगा उत्तर पूर्वी जो भी राज्य सेवन सिस्टर उधर की तरफ। चिनुक क्या है, चिनुक है हम कहेंगे शीत ऋतु में बहने वाली गर्म पवन है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी चिनुक है ये हेलीकॉप्टर हो रहा है USA का जो भारत ने खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक तो आपका ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है, ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक चली गई। नेक्स्ट है, भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर, और ये हो जाएगी 4 नंबर ऑप्शन। अगर उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ पूछे तब, तो इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी समथिंग 3214, ठीक है, ये तो उत्तर से दक्षिण है 3214, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हो जाएगी 2933। क्वेश्चन नंबर 138 है, भूक्यालक से आशय क्या है, तो हम कई पहाड़ों में स्थित घास के मैदान होते हैं ना उन्हें कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना लिंगानुपात है, हालांकि होता है तो 943 है अभी वर्तमान में, तो यही हो जाएगा, ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि नजदीक ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है, तो ये आपकी हो जाएगी यूराल पर्वत है, ये करती है। राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति ही रहता है, कब तक रहेगा, तो वो उस दिन तक रहेगा जब तक निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले। बाकी है जैसे सरपंच हो गया, सरपंच, ठीक है, और आपके MLA और MP और भी होते हैं इनमें, तो अधिकतम 6 माह तक इनके तो क्या बोलते चुनाव करा लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति के लिए तब तक नया नहीं आ जाएगा, तब तक उपराष्ट्रपति ही बना रहेगा उसके पद पर, ठीक है। ये क्या, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कितनी हुई थी, तो ये संबंधित हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी,
17 पॉइंट 6-4 यानी 17.64%। भारत में सेवा कर यानी जो आपका सर्व टैक्स है वो कैसा है? इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है यानी अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो तारापुर है ना ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में तो राव तो हटा आता है जो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत मेल है। बाकी नरोड़ा है उत्तर प्रदेश में, जो करपक्कम है ये तमिलनाडु में, और केगा है वो कर्नाटक में, तो इसमें गलत हो जाएगा दो नंबर। देश जिसकी भारत के साथ है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो वो बांग्लादेश की लगती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन निम्नलिखित में से किस कारण से केरल शिशु मृत्यु दर न्यूनतम रहती है? तो एक तो वहाँ पर शैक्षणिक सुविधाएँ बेहतर, और जो भी आपकी प्राइमरी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ हैं वो मैनेजमेंट बढ़िया है उनका, रोजगार की बेहतर अवसर है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो पृथ्वी हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें ये क्रम नहीं पूछा है कि आंतरिक वायु, इसमें पूछा है सबसे बड़ा, समझ रहे हो, लार्जेस्ट, जैसे पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, उसमें पाँचवें नंबर पर आता है पृथ्वी। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की किस आधार पर तुलना की जाती है? तो वो नागरिक की जो शैक्षिक स्तर है उस पर, उनका जन स्वास्थ्य यानी उनका स्वास्थ्य की बात की जाती है, बाकी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे विश्व से तात्पर्य क्या होता है? तो हम कहें संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात का होना वही कहलाता है विश्व। तो इस प्रकार हमने जो क्वेश्चन किए हैं, देखो CDP के कर लिए थे हमने 30 क्वेश्चन, तो ठीक है, जैसे ही साइकोलॉजी बोलेंगे, बाकी हिंदी के जितने भी ग्रामर के थे ना वो सभी क्वेश्चन कर लेते हैं, और बाकी हमने जो 60 क्वेश्चन है ये SST के किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।